गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लाइफ इज़ वंडरफुल और मैं हूँ साथी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आई हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। आप लोग बहुत बेसब्री से मेरे ब्लॉग के लिए वेट करते हो, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज देखिए मैं क्या कर रही हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:30 और मैं बैलून लेके बैठी हूँ। आज है 3 अक्टूबर और बेटू का बर्थडे है मेरे परी का। तो मैं घर डेकोरेशन के लिए बैलून को अरेंज कर रही हूँ और थोड़ा सा सजावट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गेट टुगेदर होगा फ्रेंड लोगों के साथ, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे खाना बनाने में। तो हो सकता है कि पूरे दिन में मुझे और टाइम ना मिले। तो अभी दोनों बच्चे सो रहे थे तो मैंने ये कर लिया और ये रहा हमारा फाइनल लुक। बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन किया है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी बाकी का काम करेंगे। और ये करते करते मेरे दोनों बच्चे ही उठ गए थे। बेटू तो जल्दी उठ गई थी और उसके साथ साथ उसके भाई भी उठ गए। तो ये रहे मेरे परी और ये मेरा बदमाश लड़के। बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है गाइस, खास करके डुगो की वजह से। मैं अभी एकदम ब्लॉग करने का टाइम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी और मारती है सब हर वक्त सबको। तो अभी देखिए मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। घर का सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी टाइम हो रहा है 9:15। तो चलिए अभी काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा भगवान जी का पूजा कर लेते हैं। आज एक खास दिन है तो अच्छे से थोड़ा सा पूजा कर लिया। फिर अभी किचन का काम मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू बीट गाजर बॉईल करके रखी हूँ, इसको मैं अभी बनाऊँगी काटलेट, तो थोड़ा सा बाद में बनाऊँगी। और इधर देखिए फिश चिकन मटन सब कुछ मैं निकाल के रखी हूँ फ्रिज से। आज बर्थडे है तो जैसे कि हम हर बार बनाते हैं वैसे ही करेंगे। तो बेटू को मटन बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दिन पहले उसको बाबा मटन ले कर आए थे, उसमें से मैंने थोड़ा सा उसके लिए उठा के रखी थी कि उस दिन बना दूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन उसके पापा को जाने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पापा का आज मॉर्निंग शिफ्ट है। तो आज खास दिन का खास रेसिपी से स्टार्ट करती हूँ कुकिंग करना, जो हम बोलते हैं पायस। जन्मदिन का तो ये खास रेसिपी होता है, कुछ बनाओ या ना बनाओ ये ज़रूर बनाना होता है। तो यही चढ़ा रही हूँ और गेट टुगेदर मतलब 20 से 25 लोगों के लिए मुझे खाना बनाना है। अकेले ही बनाऊँगी तो इसलिए सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि शाम तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे खीर चढ़ा दिया मैंने, दूध गर्म होने के लिए क्रश करके दे दिया है इलायची। और यहाँ पे 250 ग्राम के करीब मैंने ले लिया है पाउडर मिल्क, इसको भी बाद में ऐड करूँगी मैं। अभी तो दूध बॉइल्ड हो गया था तो चावल दे दिया। ये धीरे धीरे एक साइड में होता रहेगा। और एक साइड में मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है टमाटर, होल टमाटर दिया है। बस 2 मिनट के लिए बॉइल करूँगी ताकि उसका जो छिलका है वो मैं पील कर पाऊँ, तो चटनी जो है ना बहुत अच्छा बनता है। तो इधर मैं अभी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ। जो काजू है उसको आधा आधा कर लेती हूँ, वो पूरा साबुत था तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा वॉश करके खीर में डाल दूँगी। उसके साथ साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं चटनी में भी डालूँगी ताकि खाने में और भी अच्छा लगे। सो इधर हमारा खीर जो है तैयार हो रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खीर पकने में, तो ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाता है। सो यहाँ पे रेडी हो गया है। और इधर मैं अभी चटनी बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यह है इमली का पल्प, डेट्स लिया है जिसका सीड मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पे है टमाटर, छिलका मैंने पील करके काट लिया है। तो इसको ज़्यादा बॉईल नहीं किया है मैंने, अभी इसको पकाऊंगी। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा बेटा का बदमाशी, जितना भी बर्तन में निकाल के रखी हूँ सब एक एक करके लेके जा रहा है। और जो इतने दिनों तक बेटू की फेवरेट थी वो अभी उसका फेवरेट हो गया है मिकी माउस, और बेटू का नया आ गया है मिनी माउस। तो दोनों का यही चलता है पूरा दिन। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ चटनी। और इधर दोपहर के लिए जो नाश्ता है वो भी लंच है वो भी बनाती हूँ, राइस चढ़ा दिया है। अभी यहाँ पे कटलेट के लिए जो मसाला बनाऊँगी उसका भी तैयारी मैंने कर लिया है, तो उसको भी अभी चलिए फटाफट से मसाला तैयार कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने बना लिया है और ये मसाला मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अभी कटलेट जो है ना वो बिस्किट में कोट करके मैं रख लूँगी, ब्रेड क्रम में कोट करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि शाम को मैं फ्राई करके दे पाऊँ सबको गर्मा गर्म, और अच्छे से सेट भी हो जाएगा तो फ्राई करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए इसको सुबह सुबह बना के मैं रख रही हूँ। तो चलिए ये कर लेते हैं। और आज तो काम का कोई ख़त्म होगा नहीं क्योंकि बहुत सारा काम है और अकेले करना है, तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरा हालत क्या होगा। रात तक तो मेरा कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इतना सारा काम करते करते।
यहाँ पे है ये मिक्स वेज बना रही हूँ मैं सबके लिए। अभी टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है अभी। ये चढ़ाने के बाद मैं बेटू को खाने के लिए दूंगी, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। फिर डुगू को भी मुझे खिलाना है, और बच्चों को तो खिलाना ही पड़ेगा, घर के काम के साथ साथ दोनों बच्चों को भी देखना होता है। तो चलिए अभी बारी है बेटू की थाली सजाने की। तो ज़्यादा फ्राइज़ वगैरह या फिर सब्ज़ी मैं बनाई नहीं हूँ, क्योंकि वो कुछ कहीं खाती नहीं है, तो इसलिए तीनों फ्राई बनाए हैं, आलू परवल बैंगन, साथ में चिकन लेग पीस जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में उसका फेवरेट मटन करी। फ़िश करी भी बनाई थी, बट फिश का जो ग्रेवी है वो मैंने नहीं दिया, सिर्फ फ़िश उठा के साइड में दे दी हूँ। और अभी यह है हमारा बर्थडे कल, नहा धो के तैयार हो चुकी है, एक नया ड्रेस मैंने उसको पहना दिया है, रात को पहनेगी उसका स्पेशल ड्रेस, वो भी मैं आपको रात में ही शेयर करूँगी। तो चलिए वो बैठ चुकी है, उसको अभी मैं परोस देती हूँ। बाकी का जो प्लेट्स वगैरह है वो भी मैंने सजा लिया है, अभी उसको दे देती हूँ। बेटू को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको इस चीज़ से स्टार्ट करें खाने के लिए, तो मैंने बोला जो तुम्हारा फेवरेट है उसी से स्टार्ट करो। अभी उसको ग्रेवी कैसे निकालूं कटोरी से वो समझ में नहीं आ रहा था, तो वो भी समझाना पड़ा। अभी तो उसको खुद के हाथ से खाने में भी प्रॉब्लम होती है, बट अभी थोड़ा बहुत खा लेती है, क्योंकि अभी स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, डुगू को भी मुझे खिलाना पड़ता है तो वो खाती है, तो अभी थोड़ा बहुत आदत हो गया है। तो मैं भी थोड़ा सा उसको मीठा पहले खिला देती हूँ, फिर मैंने बोला कि तुम स्टार्ट करना, पहले मैं खिला दूँ। तो थोड़ा सा उसको खीर और स्वीट्स खिलाने के बाद एक निवाला मैंने भी डाल दिया, क्योंकि उसको मेरे मम्मी के हाथ से बच्चे को होता है ना कि जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मम्मी के हाथ से खाने का एक मज़ा ही अलग होता है, तो वही बात है। फिर डुगू आ गया, उसको थोड़ा सा मोबाइल देके मैंने बिजी रखा था, क्योंकि पूरा वो तो सब कुछ बिगाड़ देता है, तो मैंने बोला तुम थोड़ी देर बैठो, तो अभी वो आके बैठ चुका है कि मैं भी खाऊंगा। उसको दीदी बोला तुम्हें जो मर्ज़ी तुम खा सकते हो, क्योंकि मैं इतना सारा चीज़ तो खा नहीं सकती। तो उसको जो पसंद है वो देखिए साइड में कर लिया है चॉकलेट्स, तो फिर वो एक वेफर उसको दिया है, और डुगू को पसंद है स्वीट्स, तो वो स्वीट्स खाना बैठ गया है। और अभी मैं बाकी का काम करूँगी, अभी हस्बैंड आएंगे थोड़ी देर बाद, फिर हम लंच करेंगे। और आज का टाइम तो मैं जैसे सुबह से टाइम मतलब इतना जल्दी जल्दी निकल रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा मिक्स वेज पनीर के साथ तैयार हो चुका है, और फिर मैंने बनाया है राइस, तो यहाँ पे फ्राइड राइस भी बना ली हूँ, साइड में मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। इतने लोगों के खाना तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है, तो राइस पूरा भर भर के बना लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा करके ही बनाया है ताकि कम ना हो। और यहाँ पे चिकन का मसाला भी तैयार हो चुका है, अभी बज रहा है 5, तो चिकन चढ़ाने के बाद मैं पूरा घर को क्लीन करूँगी। और अभी चिकन भी रेडी हो चुका है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाया है, हल्का फुल्का में ही हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी है तो ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे सारा खाना जो है बनके तैयार हो चुका है, कटलेट में अभी थोड़ी देर बाद फ्राई करूँगी। और अभी जो काम बाकी है वो है आटा गूंद के रखना पड़ेगा पूरी के लिए, तो घर को क्लीन मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ लगा दिया है, क्योंकि इतना सारा खाना बनाते बनाते घर का हालत बहुत ही ख़राब हो गया था, पूरा चिपचिपा हो गया था फर्श। तो यह चटनी बहुत ही अच्छा बना था, मैंने बनाई, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि एकदम बहुत ही यामी टेस्टी बना था। सो फाइनली हो गया है सब कुछ तैयार, और ये स्वीट्स है बाद में रख लूँगी कटोरी में। तो चलिए अभी बाकी का काम मतलब बच्चों को तैयार करना है, मुझे भी थोड़ा सा तैयार होना है। अभी ऑलरेडी 6:30 हो गया है साढ़, तो चलिए अभी बच्चे को थोड़ा सा दूध भी पिला देती हूँ, क्योंकि खाना खाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उनको। तो अभी देखिए मैंने बोला ना 6 बज गया है। गाइज़ ये हमारा बर्थडे गर्ल हो चुका है अपना ड्रेस पहन के तैयार, और ये जो ड्रेस उसने पहना है ना ये मैंने बनाया है,
तो बहुत दिन पहले से मैंने सोचा था कि एक ड्रेस बेटू के लिए मैं बनाऊंगी इस बार बर्थडे में, तो एक नहीं तीन तीन ड्रेस मैंने उसके लिए बनाया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। या फिर वो उसको पहनते हुए ही आप लोग देख लोगे कि बेटू ने क्या क्या ड्रेस पहने, और ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। तो चलिए अभी मैं अभी तैयार हो जाती हूँ थोड़ा बहुत, और डुबू को भी तैयार करती हूँ। उसको तैयार करने में तो मेरा जान निकल गया, वो ना ही ड्रेस पहनना चाहता है ना ही कुछ करना चाहता है। उसको तो दूध लेके भी मैंने इतने टाइम तक घूमा पर उसने दूध भी नहीं पिया। सो गाइस चलिए हमारे बर्थडे गर्ल को बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा ताकि वो बड़ी होके एक अच्छे इंसान बने, और मेरा तो कोशिश जारी रहेगा उसका फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए। तो चलिए विवाह पे मैं भी हो चुकी हूँ तैयार, और एक नई कुर्ती मैंने भी पहन लिया है, और फिर बर्थडे का टाइम। सो आप लोग इंजॉय करो, और लास्ट में मैंने कुछ वीडियो फोटोज़ भी ऐड कर दिया है, तो देखना मत भूलना, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।